इवनिंग माय डियर क्लास 11th के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज का ये वीडियो लेक्चर क्लास 11th की बहुत ही प्यारी यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है काइनेमैटिक्स, उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्यारे से टॉपिक जो कि है वेक्टर्स का टॉपिक, उसका एक बहुत ही प्यारा लेक्चर है। ऐसा नहीं है कि मैंने वेक्टर्स के ऊपर इससे पहले लेक्चर नहीं दिए हैं, आपको बताना चाहूंगा आज का ये लेक्चर वेक्टर्स के एक स्पेशल टॉपिक पे है जिसका नाम है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, या फिर कहिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। तो अगर आप में से कोई 11th क्लास का बच्चा आज इस लेक्चर को पहली बार देख रहा है और उसने अभी तक वेक्टर्स के बारे में बेसिक जानकारी नहीं जानी है, तो मेरी आपको सजेशन है कि पहले आप डिस्क्रिप्शन में जाके वेक्टर के सभी वीडियोस को सीक्वेंस वाइज देखें। तो मैं आपको बता देता हूं कि मैं वेक्टर के कितने वीडियो दे चुका हूं। सबसे पहले मैंने वेक्टर का वीडियो दिया था इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। फिर मैंने एक वीडियो दिया है कॉन्सेप्ट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, जिसमें मैंने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का जिक्र किया है। देन हमारा एक बहुत ही प्यारा वीडियो आया है जिसे मैंने कहा है डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। उसके बाद एक वीडियो और आया है जिसे मैंने कहा है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। इसका मतलब कायदे से देखा जाए तो वेक्टर्स की दुनिया के अंदर 4 वीडियो लेक्चर आ चुके हैं और ये है 5वां वीडियो लेक्चर जिसमें मैं बात करने वाला हूं कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की, जिसकी बातें मैंने इससे पहले वाले लेक्चर्स में भी थोड़ी थोड़ी करी है, लेकिन मेरा मन किया कि मैं इस टॉपिक पे अलग से एक लेक्चर बनाऊं, तो आज मैं बना रहा हूं। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम सीधा शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, हमारा आज का वीडियो जो कि बना है एक बहुत प्यारे से टॉपिक पे जिसे कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ने से पहले, या फिर मुझे कहना चाहिए इसका दूसरा नाम जो रखा गया है या जिस दूसरे नाम से इसे पुकारा जाता है, उसे कहते हैं हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। बिल्कुल सही आपने सुना, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, यानी वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया जाता है। एक बच्चा बोला सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब समझाने से पहले मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आपको याद हो कि दो वेक्टर्स को जब हम ऐड करते हैं तो नॉर्मल एल्जेब्रिक एडिशन उनका नहीं किया जा सकता, इसलिए दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम हमेशा ट्रायंगल लॉ लगाते हैं, और ट्रायंगल लॉ से जब भी दो वेक्टर्स को ऐड किया जाता है तो हमें एक रिजल्टेंट मिलता है, उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, या हम कहते हैं कि उनको जोड़ना। लेकिन अगर किसी एक वेक्टर को उसके दो हिस्सों में तोड़ा जाए, यानी उसे कहा जाएगा तोड़ना, तो जोड़ना ऑफ वेक्टर्स इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स एंड तोड़ना ऑफ वेक्टर्स इज कॉल्ड एज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। यानी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इज ए टेक्निक ऑफ स्प्लिटिंग अ गिवन वेक्टर इनटू इट्स टू कंपोनेंट्स। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एक टेक्निक है एक ही वेक्टर को दो हिस्सों में बांटने की, कुछ इस प्रकार कि जिन दो हिस्सों में उसे बांटा जाए वो दोनों हिस्से मिलाकर हमें वापस वही वेक्टर मिल जाए। एक बच्चा कहता है सर कॉमन सेंस है ना, अगर आप 5 के 2 टुकड़े करोगे तो दोनों टुकड़ों को मिलाकर वापस 5 ही तो मिलेगा, या तो आप 2 टुकड़ों से 5 जोड़कर प्राप्त कर लो या 5 को जोड़कर आप उसके 2 टुकड़े प्राप्त कर लो। ठीक उसी प्रकार दो वेक्टर्स को या तो मैं रिजल्टेंट निकाल लूं उनका, या उनके रिजल्टेंट को मैं दो वेक्टर्स में तोड़ दूं। तो जब किसी एक सिंगल वेक्टर को उसके दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया जाता है, या उसके दो कंपोनेंट्स में उसे रिप्रेजेंट किया जाता है, या उसे दो कंपोनेंट्स में लिखा जाता है, तो उसे कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। एक बच्चा कहता है चलो सर मान गए इसे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कहते हैं, फिर इसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्यों कहा? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इसलिए कहा क्योंकि अभी जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं वो 2 डायमेंशन का है। 2 डायमेंशन मतलब दो दिशाओं की बात हो रही है, लेंथ और ब्रेथ की बात हो रही है, लंबाई चौड़ाई और गहराई की बात नहीं हो रही है। कंपोनेंट्स जब किसी वेक्टर के बनाए जाते हैं तो वो 2 दिशाओं में भी बना सकते हैं और 3 दिशाओं में भी बना सकते हैं। मैं इस वीडियो लेक्चर में 3 डायमेंशनल रेजोल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं हाउ टू रिजॉल्व अ गिवन वेक्टर इन 2 डायमेंशन। तो बहुत ज्यादा बातें नहीं करूंगा, सीधा मुद्दे की बात करूंगा कि आज के बाद आपको दुनिया का कोई भी वेक्टर अगर किसी डायरेक्शन में इंक्लाइंड नजर आए, इंक्लाइंड होना बहुत जरूरी है क्योंकि रेजोल्यूशन वर्टिकल वेक्टर का नहीं होता, रेजोल्यूशन हॉरिजॉन्टल वेक्टर का नहीं होता, रेजोल्यूशन हमेशा इंक्लाइंड वेक्टर का होता है। हमेशा याद रखें
कि अगर कोई वेक्टर वाई एक्सिस में काम कर रहा है तो करने दो भाई, उसका रेजोल्यूशन नहीं कर सकते, ना करना है। अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस में काम कर रहा है तो करने दो भाई, उसका भी रेजोल्यूशन नहीं करना है। यानी अगर कोई वेक्टर पहले से ही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में काम कर रहे हैं तो उनका रेजोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हम तब करते हैं जब कोई वेक्टर किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे इंक्लाइंड होता है। एक बच्चा बोला जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक हवाई जहाज है जिसने उड़ान भरी, लेट अस से कि ये जमीन है फॉर एग्जांपल, और इस जमीन से ये हवाई जहाज ने उड़ान भर ली। आपने देखा होगा अक्सर जब हवाई जहाज उड़ान भरता है तो उसके उड़ान भरने की दिशा कुछ इस प्रकार होती है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस हवाई जहाज ने जब उड़ान भरी तो इसकी वेलोसिटी, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, उस वेलोसिटी का जमीन के साथ कुछ एंगल बन रहा है जिसे कहा जाएगा थीटा। तो इसे एक इंक्लाइंड वेक्टर के रूप में देखा जा सकता है कि यह एक प्रकार का इंक्लाइंड वेक्टर है। अगर यह एक प्रकार का इंक्लाइंड वेक्टर है तो इसका मतलब इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं। एक कंपोनेंट होता है जिसे हम कहते हैं कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, इसे कहा जाता है कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। ये बहुत सिंपल सी बात है, ये आपने पहले भी सीखा था। पहले आपने सीखा था कि अगर एक वेक्टर एक्स एक्सिस में काम कर रहा है और एक वेक्टर वाई एक्सिस में काम कर रहा है तो उनका रिजल्टेंट उनके बीच में आएगा। यानी पहले आपने चीजों को जोड़ना सीखा था, पहले आपने रिजल्टेंट निकाला था, रिजल्टेंट बीच में आएगा या रिजल्टेंट डायगोनली आ सकता है बाय ट्रायंगल लॉ। यहां पे हम वेक्टर्स को जोड़ रहे हैं, और यहां पे हम वेक्टर्स को नहीं एक वेक्टर को तोड़ रहे हैं। और आज का जो टॉपिक मैं आपको करा रहा हूं, तोड़ रहे हैं ही को कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, इसे कहा जाता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। यानी ये कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस है और ठीक उसी प्रकार इसे कहा जाएगा कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, अब देखना ये है कि जिस वेक्टर को हमने रिजॉल्व किया है वो वेक्टर है कौन। यहां साफ पता चल रहा है कि वो वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर है। तो वेलोसिटी वेक्टर के दो कंपोनेंट हुए, एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग और एक कंपोनेंट वाई एक्सिस के लॉन्ग। एक्स एक्सिस के लॉन्ग वाले कंपोनेंट को हम वी एक्स कहते हैं और वाई एक्सिस के लॉन्ग वाले कंपोनेंट को हम वी वाई कहते हैं। इसलिए जो मैं बता रहा हूं उसे देख लीजिए, इसलिए जो मैं समझा रहा हूं उसे समझ लीजिए, इसलिए जो मैं आपको बोर्ड पे लिख के सब दिखा रहा हूं इसे देख लीजिए। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बच्चा कहता है ठीक है ज्यादा मुश्किल तो है नहीं, दुनिया का कोई भी वेक्टर, अपने दिमाग में बस आप एक ही बात बिठा लीजिए, दुनिया का कोई भी वेक्टर जो इंक्लाइंड है किसी एक पर्टिकुलर एंगल थीटा पे, उस वेक्टर के दो कंपोनेंट्स निकाले जा सकते हैं, एक वो जो एक्स एक्सिस के अलोंग काम करेगा और एक वो जो वाई एक्सिस के अलोंग काम करेगा। तो एक्स एक्सिस के अलोंग काम करने वाला वेक्टर इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर एंड वाई एक्सिस के अलोंग काम करने वाला वेक्टर इज कॉल्ड एज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। चलिए इसी चीज को थोड़ा और डिटेल में जानते हैं, कि कैसे किसी भी वेक्टर को जब रिजॉल्व किया जाएगा, यानी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर में जब किसी वेक्टर को रिजॉल्व किया जाएगा तो कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, यानी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर की बात हो रही है। अब अगर मैं यहां पे आपको एक्सप्रेशन की बात करूं, यानी अगर मुझे इनका एक्सप्रेशन निकालना हो तो इनका एक्सप्रेशन क्या निकलेगा, ध्यान से देखिए, एक्सप्रेशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यानी जिन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मैं जिक्र कर रहा हूं इनका कोई ना कोई एक्सप्रेशन जरूर निकाला जा सकता है, कैसे और किस प्रकार से आप वो देखिए। मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है और ये एक वेक्टर यहां काम कर रहा है, लेट अस से कि ये हमारे पास एक वेक्टर है जो जमीन के साथ या एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल थीटा बना रहा है, तो इसे कहा जाएगा, लेट अस से कि ये पॉइंट है पी और लेट अस से ये पॉइंट है क्यू, तो इसे कहा गया पी ए और यहां पे मैंने एक और बना दिया, इसे कह दिया गया पी एम। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं हेयर
PQ वेक्टर इज अ इंक्लाइंड वेक्टर, PQ वेक्टर इज अ इंक्लाइंड वेक्टर, और मैं कह सकता हूं कि यहां पे जो PA है, PA है उस वेक्टर का वो कंपोनेंट, आई रिपीट माय सेंटेंस, उस वेक्टर का वो कंपोनेंट जो x की दिशा में एक्ट कर रहा है, x की दिशा में एक्ट कर रहा है, मतलब x एक्सिस, ठीक उसी प्रकार PM वेक्टर उस वेक्टर का वो कंपोनेंट है जो y की दिशा में काम कर रहा है। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर मैं यहां पर ट्रायंगल कंप्लीट कर दूं, फॉर एग्जांपल लेट अस से मैंने ट्रायंगल कंप्लीट किया, सो दिस लाइन इज वेरी मच कॉरेस्पॉन्डिंग टू इट्स y कंपोनेंट। अगर मैं कहता हूं कि ये वेक्टर, मान लीजिए कोई वेलोसिटी वेक्टर है, तो अगर ये वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर है तो वेलोसिटी वेक्टर का ये वाला हिस्सा इज कॉल्ड एज वेलोसिटी का x कंपोनेंट एंड दिस इज कॉल्ड एज वेलोसिटी का y कंपोनेंट। ध्यान से देखिए, साफ साफ पता चल रहा है कि एक सिंगल वेक्टर को x की टर्म्स में और y की टर्म्स में रिजॉल्व किया जाता है। तो मैं लिख सकता हूं क्या, इन ट्रायंगल PQ, इसको बोल देते हैं लेट अस से R, इन ट्रायंगल PQR अगर मैं cos थीटा निकालता हूं, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो cos थीटा में इस थीटा का बेस कौन है, इस थीटा का बेस है Vx, तो मेरे पास आ गया Vx, और हाइपोटेन्यूज कौन है, वह हाइपोटेन्यूज मेरे पास V, तो टीचर therefore I can write that Vx is equal to V cos theta, Vx is equal to V cos theta, ये तब जब मैंने cos theta निकाला, यानी इसे कहा जाएगा x-axis के component की शकल या x-axis के component का expression, यानी दुनिया के कोई भी inclined vector का अगर x-axis निकालना है तो x-axis के component का expression ये है। जो मैं बता रहा हूं उसे देख लो, जो मैं समझा रहा हूं उसे घूर लो, this is something very very important। एक बच्चा बोला कि सर आपने cos थीटा क्यों निकाला, आपने sin थीटा क्यों नहीं निकाला। भाई निकाल सकते हैं, अगर मैं sin थीटा निकालता हूं तो sin थीटा इज इक्वल टू p / h होगा, और आई कैन राइट दैट sin थीटा इज इक्वल टू perpendicular, perpendicular इज vy upon v, और आई कैन से दैट vy इज इक्वल टू v sin थीटा, तो vy इज इक्वल टू v sin थीटा, vy इज इक्वल टू v sin थीटा, vy is equal to v sin theta is the y axis के component की शकल, is the y axis के component की शकल या y axis के component का expression, जिसे कहा जाएगा vy। एक बार इसे घूर लीजिए, दो बार इसे देख लीजिए, जो है मैंने अब तक आपको समझाया इसे समझ लीजिए, तो अल्टीमेटली हमें यह समझ आ गया कि दुनिया का कोई भी वेक्टर के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस वाला, एक कंपोनेंट वाई एक्सिस वाला, और एक्स एक्सिस के कंपोनेंट को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा की टर्म्स में, और वाई एक्सिस के कंपोनेंट को हम लिख सकते हैं साइन थीटा के टर्म में। साथ में हमें लगानी होती है वेक्टर की शक्ल, जब हमें दी होती है वेक्टर की शक्ल। सो अगर वेक्टर यहां पर v था तो हमने लगाया v cos थीटा, और जब वेक्टर v था तो हमने लगाया v sin थीटा। आपके लिए बेसिक ज्ञान जो आपको समझ आना चाहिए, दैट अ सिंगल वेक्टर क्वांटिटी इन फिजिक्स दैट वी स्टडी सच दैट इट इज इंक्लाइंड एट सम एंगल थीटा कैन बी रिजॉल्व into its two components, x component and y component. x component को हम लिख सकते हैं in terms of cos theta and y component को हम लिख सकते हैं in terms of sin theta. देख लो पहले, मैं कहता हूं घूर लो पहले, बोर्ड पे दी गई है जितनी भी सूचना,
इसे अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए, इसे आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सूचना अगर आपको अच्छे से दिखेगी तो आपको फायदा तभी मिलेगा। यानी वॉट एवर थिंग्स आई एम ट्राइंग टू टीच यू, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो बोर्ड पे आपको इस समय दिख रहा है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सवाल आता है कि सर हम नेक्स्ट चीज क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट चीज जो हम करने जा रहे हैं वो इसी पे बेस्ड है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो बहुत नया है, लेकिन इसी पे बेस्ड है, इसी पे बेस्ड इंफॉर्मेशन है। जो सिखाया है इसी को दोबारा से लिखूंगा और इसी बात को समराइज्ड वर्जन में बताऊंगा कि हमें पता चल गया कि दुनिया के कोई भी वेक्टर के दो कंपोनेंट हो सकते हैं। यानी अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमने क्या सीख लिया। सिंपल शब्दों में बताऊंगा, हमने सीख लिया कि let A be a given vector such that it is inclined at an angle theta। देख लीजिए, मतलब समझ आना चाहिए। Then it can be represented as follows। मैंने यहां पे रिप्रेजेंट कर दिया। लेट अस से कि ये मेरा वेक्टर है। फॉर एग्जांपल दिस इज ओ एंड दिस इज पी, दिस इज वेक्टर ए। अब मैं लिखूंगा, नाउ इट कैन हैव टू कंपोनेंट्स। पहला acting along x axis and दूसरा acting along y axis। यानी इसके दो कॉम्पोनेंट है, दो में से विभाजित किया जा सकता है। x एक्सिस वाले कॉम्पोनेंट को लिखेंगे ए एक्स और y एक्सिस वाले कॉम्पोनेंट को लिखेंगे ए वाई। अगर ये थ्री डायमेंशनल होता तो ए एक्स ए वाई के साथ आपको ए जेड भी नजर आता, लेकिन दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि पहला कॉम्पोनेंट इसका ए एक्स और दूसरा कॉम्पोनेंट इसका ए वाई। और मैं थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूं कि अगर ये एंगल थीटा है तो हमने अभी जान लिया था कि ए एक्स को लिख सकते हैं। कैसे? That A x is equal to A cos theta। एक बच्चा कहता है ये क्या चीज है? ये मैग्नीट्यूड है। अगर ये वेक्टर होता तो मैं एरो लगाता। और AY को लिख सकते हैं, AY is equal to A sin theta। पहले देख लो, फिर मैं कहता हूं कि घूर लो, आ जाए फिर भी मन में कोई सवाल, मचा दो बच्चों पूरा बवाल। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ समरी बताइए कि क्या आपको मैं सिखाना चाह रहा हूं, क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कैसे किसी भी फिजिक्स में पढ़े जाने वाले एक इंक्लाइंड वेक्टर को हम उसके दो कॉम्पोनेंट में डिजोल्व कर सकते हैं। अब पता है, इतना सब कुछ सुनने के बाद एक बच्चा बोला, भाई ये हमारे किस काम का, ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्यारे प्यारे साइंस पढ़ने वाले बच्चों, फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चों, 11th और 12th दोनों ही क्लासेस में, 11th में इतना काम नहीं आएगा जितना 12th में काम आएगा, सही बता रहा हूं। तो अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हो कि ये क्या होता है, ये कहां यूज होता है, ज्यादा आपको 12th में काम आएगा, लेकिन मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा ये बताने में कि इसकी एप्लीकेशन क्या है। तो चलिए मैं आपको इसकी एप्लीकेशन भी पढ़ाता हूं और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी कराता हूं। तो अब आपको पहले न्यूमेरिकल करा देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि भाई यूज कैसे हो रहा है, फिर आपको मैं इसकी एप्लीकेशन भी पढ़ा दूंगा कि वेयर एंड हाउ
the application of the rectangular components will be used. तो चलिए पहले मैं आपको numerical कराता हूं कि numerical क्या कहता है, जो कि इसी पे बेस है. मैं अपने साथ किताब लेके बैठा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चन पहले से याद करके बैठा हूं. मेरे सामने किताब है तो मैं किताब में से ही क्वेश्चंस आपको कराऊंगा और आपको चीजें समझ आएंगी कि एग्जैक्टली सर क्या बताना चाह रहे हैं. तो अगर आप कॉपी पेन अपने साथ लेकर बैठेंगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि हमारा जो अगला टॉपिक शुरू हो रहा है उस टॉपिक को ही कहते हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. टॉपिक कह लीजिए या इस वीडियो का एक नया हिस्सा कह लीजिए, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, या फिर मुझे कहना चाहिए रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर्स. तो मैं अपने साथ किताब लेके बैठा हूं और ये वही किताब है जिसका मैंने जिक्र हमेशा से किया है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स की रामबाण किताब, मतलब कि बहुत अच्छी किताब, आपको कहीं भी मिल जाएगी. नहीं मिले तो मुझसे मंगवा सकते हैं, आप मुझे फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और स्टडी मटेरियल सारा का सारा मंगवा सकते हैं और खुद को फायदा पहुंचा सकते हैं. तो चलिए मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आता हूं, इसलिए आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं ताकि आपको पता चले कि कॉन्सेप्ट करना कैसे. आइए, यहां पे क्वेश्चन कहता है वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर इज 40 किलोमीटर पर आवर इज 40 किलोमीटर पर आवर Find the other component. क्वेश्चन ने कहा है उसका अदर कॉम्पोनेंट हमें ढूंढना है. आइए पहले मतलब को समझो. क्वेश्चन ने कहा है वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट, यानी एक कॉम्पोनेंट एक ऐसी वेलोसिटी का जो काम जो कि 80 किलोमीटर पर आ रहा है, उसका एक कॉम्पोनेंट 40 है, तो अगला क्या होगा? एक बच्चा बोला भाई मुझे क्या पता क्या होगा, मैं कैसे बताऊं? आओ मान लेते हैं let the original vector be inclined at some angle theta as shown below. मान लेते हैं कि ओरिजिनल वेक्टर किसी एंगल पे इंक्लाइंड है, लेट अस से ये मेरा ओरिजिनल वेक्टर, ठीक है, और क्योंकि ओरिजिनल वेक्टर वेलोसिटी है तो मैंने यहां पे लिख दिया टीचर वेलोसिटी वेक्टर. अब इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट जो काम करेगा एक्स एक्सिस में और एक कंपोनेंट जो काम करेगा इसका वाई एक्सिस में, और ओरिजिनल कंपोनेंट का कोई एंगल थीटा है, हमें थीटा नहीं पता. गिवन क्या क्या है? गिवन है हमें वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी? 80 किलोमीटर पर आवर, और उसके कितने कंपोनेंट? दो कंपोनेंट, एक एक्स वाला एक वाई वाला. कौन सा नहीं पता? वाई वाला नहीं पता, क्योंकि वन ऑफ द की बात करिए तो कोई भी ले लीजिए. कौन सा पता है? एक्स पता है, 40 किलोमीटर पर आवर. पहले इतना देखो, इतना समझ आया तो बहुत अच्छी बात है. अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हम जानते हैं, एक बच्चा बोला बड़ा जानते हो, हम जानते हैं कि vx इज इक्वल टू v cos थीटा होता है. तो vx कितना है? 40, v कितना है? 80, साथ में क्या आया? cos थीटा. सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं दैट cos थीटा इज इक्वल टू 40/80, कैंसिल. तो साफ साफ क्यों नहीं बोलते मास्टर, कुछ बातें बोलनी नहीं चाहिए, कुछ बातें लिखनी चाहिए कि थीटा कम सा हो तो भी 60 डिग्री. एक बार घूरो, दो बार देखो, कोई डाउट आए मन में तो आप मुझसे पूछो. मेरे प्यारे 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 11th क्लास के बच्चों, देखो मैं तो कह रहा हूं देखो कि कैसे मैंने यहां पे थीटा को डिटरमाइन किया है. एक बच्चा बोला कि यार अगर अब थीटा डिटरमाइन हो गया तो थीटा डिटरमाइन होने के बाद आपको कोई नहीं रोक सकता सर. मैंने कहा भाई किस चीज से कौन रोक रहा है मुझे? सर वीवाई निकालने में. टीचर देयरफॉर vy इज इक्वल टू v sin थीटा. व्हाट इज v? 80 इनटू sin थीटा. व्हाट इज sin थीटा? sin थीटा इज sin 60 डिग्री. तो दिस कम्स आउट टू बी 80 इनटू √3/2. सो vy कम्स आउट टू बी 40√3 किलोमीटर पर आवर. देख लीजिए, मैं कहता घूर लीजिए, आ जाए मन में कोई सवाल तो पूछ लीजिए.
देख लीजिए, घूर लीजिए, आ जाए मन में कोई सवाल तो मुझसे पूछ लीजिए। डियर क्लास 11th के बच्चों, जो वेक्टर्स के इस टॉपिक को देख रहे हैं, पहला न्यूमेरिकल कराया है घूरो। मैं कहता हूं देखो, लेकिन मेरा मन नहीं भरेगा, क्योंकि एक न्यूमेरिकल से मेरा मन कभी नहीं भरता। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको एक न्यूमेरिकल तो और जरूर कराऊं, ताकि आपको पता चल जाए कि एग्जैक्टली कहां कैसे ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो मेरा अगला न्यूमेरिकल जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो क्या है, जरा एक बार देखिए वो क्या है, जरा दो बार घूरिए वो क्या है, जरा तीन बार समझिए, और आए मन में कोई सवाल तो मुझसे पूछिए। मेरा अगला न्यूमेरिकल क्या कहता है? अगला न्यूमेरिकल बहुत प्यारा न्यूमेरिकल है, कहता है एन एरोप्लेन। देखिए, एंड एरोप्लेन, मैंने आपको थोड़ी देर पहले एरोप्लेन का जिक्र दिया था। एंड एरोप्लेन टेक्स ऑफ, एंड एरोप्लेन टेक्स ऑफ एट एन एंगल, एंड एरोप्लेन टेक्स ऑफ एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल, एक एंगल 30 डिग्री के एंगल पे टेक ऑफ कर गया। If the component of its velocity along x-axis, यानी x-axis पे जो उसका component है, उसकी velocity का x-axis का component is 250 किलोमीटर पर आवर, तो क्वेश्चन ने कहा है find the actual velocity and its vertical component। जारे जा किताब कर थोड़ा आराम, ताकि मेरे बच्चों को नहीं हो इसको परेशानी। आइए मैं आपको बताता हूं कि कैसे, आपको ये चीज अपने जीवन में अप्लाई करनी है। तो मान लेते हैं, पहले क्वेश्चन का मतलब समझो, मान लेते हैं कि ये एक हवाई जहाज है, ठीक है जी, और ये हवाई जहाज जो है वो टेक ऑफ कर चुके हैं, और इस हवाई जहाज के द्वारा टेक ऑफ किया गया। जब हवाई जहाज के द्वारा टेक ऑफ किया गया, तो मान लेते हैं कि हवाई जहाज ने जमीन के साथ कोई एंगल थीटा पे, एक बच्चा कहता है कोई एंगल थीटा का दे रखा है, 30 डिग्री पे टेक ऑफ किया, कितनी वेलोसिटी से नहीं पता, लेकिन इसके दो कंपोनेंट्स तो जरूर होंगे, एक कंपोनेंट जिसे कहा जाएगा एक्स कंपोनेंट और एक कंपोनेंट जिसे कहा जाएगा वाई कंपोनेंट। तो हम यहां पे लिखेंगे, हेयर हमें पता है क्या कि वेलोसिटी नहीं पता, थीटा 30 डिग्री, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस पता है कितनी, 250 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या नहीं पता, वाई नहीं पता, क्या है पता लगाना, ये पता लगाना, ये भी पता लगाना। देखो मेरे प्यारे भाई बच्चों, एक बच्चा मुझे बोला मास्टर जी रुक जाओ, मैं अपने आप सॉल्व करना चाहता हूं। अगर आप ये क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर सकते हो और करना चाहते हो, तो वीडियो को पॉज करो, उसके बाद वीडियो को प्ले करके देखना कि मैंने क्या किया। जो बच्चों से नहीं हो पाएगा किसी भी कारण से, उनकी मदद करने के लिए मैं हूं हमेशा तैयार। आइए देखिए, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, मैं यहां पे बता रहा हूं, और यहां पे ही मैं समझा रहा हूं, आपको बातें समझ आनी चाहिए कि मैं क्या सिखा रहा हूं। देखो जी, हम लिखेंगे We know that Vx is equal to V cos theta. What is Vx? Vx is 250 is equal to V cos theta. अब ध्यान से देखिए, हमारे पास 250 is equal to V cos theta आ चुका है, 250 is equal to V cos theta आ चुका है, क्या theta नहीं पता? पता है, कितना 30 degree, तो 250 is equal to V cos 30 degree, तो 250 is equal to V into cos 30 की value root 3 by 2, तो this comes out to be 500/√3 किलोमीटर पर आवर इज द एक्चुअल वेलोसिटी। मैं तो कहता हूं कि घूर लो, आ जाए मन में कोई सवाल, मुझसे ये बातें पूछ लो। मैं कहता हूं कि घूर लो, आ जाए मन में कोई सवाल तो मुझसे ये पूछ लो। अब क्योंकि एक्चुअल वेलोसिटी आ चुकी है, तो क्या वी वाई नहीं निकाल सकते?
निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? सिंपल तरीके से vy इज इक्वल टू v sin थीटा। जब vy इज इक्वल टू v sin थीटा होगा तो v की ये वाली पुट करना, sin थीटा में थीटा, sin 30 पुट करना, आपको जवाब मिल जाएगा। मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप खुद से ये चीज करो, लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा कहता है नहीं यार मुझे तो जानना है, लो जगह बना देता हूं और आपको ये बात भी बता देता हूं कि vy इज इक्वल टू v की जगह 500 बटा रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय साइन 30। तो vy कम्स आउट टू बी 500 इंटू 1/2 बटा रूट 3। तो दिस कम्स आउट टू बी 250 बटा रूट 3 किलोमीटर पर आवर। मैं तो कहता हूं कि देख लो, और फिर मैं कहता हूं कि घूर लो, फिर मैं कहता हूं कि आ जाए मन में कोई सवाल तो मचा दो मेरे प्यारे बच्चों पूरा 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 बवाल। This is something very very important। ये बहुत प्यारा लेक्चर है, ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है जिसमें मैंने आपको दो न्यूमेरिकल्स करा दिए। ऐसा नहीं है कि और न्यूमेरिकल्स नहीं है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भंडारम भंडारम निकल कर आते हैं, आपको उन्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा खुद से। किताब ओपन करो, सॉल्व न्यूमेरिकल्स उठाओ, फिर अनसॉल्व पे जाओ, आपको चीजें जल्दी समझ आएंगी, आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आएगा। अब सवाल आता है कि सर इस लेक्चर में और बचा क्या है? इस लेक्चर में थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि मैं आपको कराऊंगा एप्लीकेशन ऑफ द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, यानी ये जो मैंने पढ़ाया है भाई इसकी एप्लीकेशन क्या है, मतलब ये कहां काम आता है। तो इसकी दो एप्लीकेशंस हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे मन में आ रहा है छोटा सा ख्याल कि क्यों ना मैं एप्लीकेशंस का एक सेपरेट वीडियो बनाऊं। एप्लीकेशंस का सेपरेट वीडियो बनाने का मेन पर्पस यही है कि उस एप्लीकेशन में आपके ऊपर क्वेश्चन आने का पूरा पूरा चांस बना है, यानी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन। छोटा सा वीडियो बनेगा, बहुत ज्यादा देर का वीडियो नहीं बनेगा, लेकिन इसकी दो एप्लीकेशंस हैं। हाउ इट इज इजी टू वॉक, हमारे लिए आसानी से जमीन पे वॉक करना कैसे आसान है। एक बच्चा कहता है वॉक करना कैसे आसान है, पैर पैर है, जमीन पे पड़ते हैं, हम वॉक करते हैं, लेकिन कैसे? हाउ इज नॉट योर बॉडी वेट putting so much pressure on the zameen that you are not able to pull it up, मतलब जमीन पे कदम रखने के बाद उसे आप वापस उठा कैसे लेते हो? एक बच्चे ने कहा अपनी मसल पावर से। I agree, but उसमें भी कहीं ना कहीं vectors का application जुड़ा हुआ है, vectors का concept आसपास कहीं ना कहीं mix होता है। उससे कहीं ज्यादा important, क्रिकेट के मैदान में आपने अक्सर देखा होगा, क्रिकेट के मैदान में जो पिच के ऊपर रोलर होता है, एक रोलर इस तरह से एक रोलर होता है, अगर आपने कभी देखा हो, मैं डायग्राम बना के दिखाता हूं, ये इस तरह से छोटा सा डायग्राम बना हुआ है, यहां पे पिच के ऊपर एक छोटा सा रोलर होता है, आपने देखा होगा, ये इस तरह से ये हमारा रोलर है, ये इस तरह से रोलर, इसे हम पुश भी करते हैं, इसे हम पुल भी करते हैं। सवाल आता है सर रोलर को पुश करना ज्यादा आसान है या रोलर को पुल करना ज्यादा आसान है? इसे पुश करना ज्यादा आसान है या इसे पुल करना ज्यादा आसान है? यह दूसरी एप्लीकेशन है। तीसरी एप्लीकेशन बहुत प्यारी एप्लीकेशन होती है, बहुत प्यारी एप्लीकेशन, जिसे हम कहते हैं हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम मतलब घोड़ा और घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी कह लीजिए। अगर अक्सर आपने देखा होगा कभी कोई बस खराब हो जाती है तो बस के पीछे लोग बस को धक्का लगाते हैं। धक्का कैसे लगाते हैं? अगर मान लीजिए बस है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से ये बस है, ये बस है, अब बस को धक्का कैसे लगाएंगे आप मुझे बताना, मैं सही लगा रहा हूं या गलत लगा रहा हूं। मैं ऐसे खड़ा हूं, मतलब मान लो बस है, मैं ऐसे खड़ा हूं, धक्का ऐसे लगाते हैं या धक्का ऐसे लगाते हैं? इस तरह से मैं इंक्लाइंड हो रहा हूं भाई, क्यों? वाई? एक घोड़ा, अगर मान लीजिए घोड़ा गाड़ी को आगे की तरफ पुल कर रहा है तो वो ताकत आगे लगा रहा है। सो टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर उसका एक्शन आगे है तो रिएक्शन पीछे है, तो कायदे से तो एक्शन और रिएक्शन बैलेंस हो जाना चाहिए। तो फिर कैसे चलती है घोड़ा गाड़ी? अगर घोड़ा ताकत आगे लगा रहा है तो पीछे जो सामान है वो ताकत उधर लगा रहा है, तो कायदे से तो घोड़ा आगे जा ही नहीं जाना जा पाना चाहिए, लेकिन फिर भी जाता है, कहीं ना कहीं कुछ तो हो रहा होगा।
क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वही सब कुछ मुझे आपको है बताना, क्योंकि लौट के इस वीडियो को फिर से है अगले टॉपिक में बताना, मतलब इसी टॉपिक का, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का एक एप्लीकेशन बेस्ड वीडियो लेक्चर जल्द ही लेकर आऊंगा। तब तक के लिए मेरी सबसे पहली गुजारिश, चैनल सब्सक्राइब करो, दोस्तों से करवाओ, साथियों से करवाओ, वीडियो को लाइक करो, कॉमेंट करो, और हां शेयर करना जरूर 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 आपके सभी फ्रेंड्स के साथ, मतलब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यह आपके लिए फायदेमंद भी है और मुझे तभी फायदा मिलेगा जब बाकी सबको फायदा मिलेगा। सो आपका कीमती वक्त आपने मुझे दिया 11th क्लास के प्यारे बच्चों इस लेक्चर को देखने के लिए, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू वंस अगेन।